हम क्या करता हूँ, आप पूछेंगे मैं भी क्या करता हूँ, मोबाइल में रात को मुरली आती है, मुरली ऑन करता हूँ, सवेरे स्नान करते समय थैली में मोबाइल में, मोबाइल को एक थैली में डालता बाथरूम में, एक आधा घंटा लगता स्नान करते, कोई काम नहीं, खाली मन है, तो उस समय ज्ञान का चिंतन चले, मुरली सुनते सुनते आधा घंटा स्नान किया, पता नहीं चला, मन में अच्छा चिंतन चला, कोई दूसरों का आवाज नहीं, कोई नहीं है, खाली मन को बिजी करो, खाली मन गलत अगर इधर उधर के विचार करेगा, कुछ काम नहीं उधर, है ना। तो कैसे समय सफल करे अपने, कहां कहां आप झाड़ू लगाते हो, सब्जी काटते हो, अनाज साफ करते हो, माता है भाई गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो क्या है, देखना है गाड़ी चलाना है, तो कान क्या करते हैं, कान को अच्छे अच्छे गीत दे दो, अच्छा क्लास दे दो, तो सुनते सुनते कोई एक शब्द अंदर घुस जाएगा, है ना। कर्म करो, झाड़ू लगाओ, कपड़े धो लो, अनाज साफ करो, संसार में रहते हुए ग्रस्त को आप स्वर्ग बना सकते हो आज भी, कल तो स्वर्ग मिलेगा, वहां सोने का ताज मिलेगा, आज भी आप स्वर्ग का अनुभव कर सकते हो, लेकिन ये चाहिए। लेकिन घर में अगर सभी चलते हैं, पीस ऑफ माइंड चल रहा है, गीत बज रहा है, फिल्मी गीत नहीं बजाओ, बाबा की मुरली चलती गुंजा करने के आवाज से, बाबा का आवाज सारा दिन चल रहा है, सारा दिन में शांत, जैसे कि मधुबन में बैठे हैं, है ना। तो घर को आज आश्रम बना सकते,